चार धाम यात्रा में चूंकि यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इस बार भी जो पिछले 50 दिनों की जो 50 दिनों का जो एक आंकड़ा आया है, इस 50 दिनों के आंकड़े में 30 लाख लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। ये आंकड़ा जो रजिस्ट्रेशन किए हुए लोग हैं उनका नहीं है, रजिस्ट्रेशन तो ये करोड़ों में पहुंच गए हैं। ये आंकड़ा वो है जो मंदिर के अंदर जिन लोगों ने प्रवेश किया, जिन्होंने हमारे धामों पर जाकर दर्शन हुए हैं, उसके अनुरूप उसके रिकॉर्ड के अनुसार लिए गए ये आंकड़ा है। तो आने वाले समय में ये चुनौतियाँ हमारी बढ़ने वाली हैं। चारों तरफ आप देख रहे होंगे देश दुनिया के लोग लगातार आ रहे हैं और चार धाम यात्रा हमारे लिए, उत्तराखंड के लिए एक ये लाइफ लाइन है। यहाँ के लोगों का रोजगार का, आर्थिकी का और व्यापार का बहुत बड़ा एक माध्यम भी है, बहुत बड़ा उनके लिए एक रोजगार है, तो वो बढ़ना चाहिए। यात्रा व्यवस्थित होनी चाहिए। एक रिपोर्ट जो अपर मुख्य सचिव के अध्यक्षता में बनाई गई है, हम उसका आकलन करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे और उसके बाद उसको निर्णय लेंगे।